नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड मैप टू बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर बनने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत होती है, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं जो जो चीज़ें भी बताऊंगा वो सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि जब मैंने भी अपना वेब डेवलपमेंट का करियर शुरू किया था तो मैंने भी सबसे पहले बैकएंड डेवलपमेंट से ही शुरू किया था, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया और देन उसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट में मूव किया। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट बैकएंड डेवलपमेंट में ही था। और मैं आपको ये चीज कहूं, मुझे इन तीनों चीजों में से बैकएंड डेवलपमेंट सबसे अच्छा लगता है। मुझे काम करने में भी मजा आता है और इसमें बहुत ज्यादा वास्ट चीजें हो जाती हैं आगे जाकर जब आप इन चीजों को एक्सप्लोर करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्या क्या चीजें आपको सीखने की जरूरत होती है और किस चीज से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चॉइसेस आपके पास होती हैं, उन चॉइसेस में आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए या फिर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी, मैं आपको वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो विदाउट जस्ट wasting any time, let's just start the video. सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बैकएंड डेवलपर को जानने के लिए, वो ये है कि बैकएंड डेवलपमेंट आखिर होती क्या है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें होती हैं इन एक्चुअल बैकएंड डेवलपमेंट में, आपको ये चीज जानने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो मान लो कि आपने वेबसाइट तो देखी ही होंगी, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर आप रेगुलरली जाते ही होंगे। तो वहां पर क्या होता है कि आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि आपके लिए क्या होता है कि आपको ऊपर वाली चीजें दिखाई देती हैं जो कि सारा का सारा काम फ्रंट एंड टीम हैंडल करती है। देन उसके बाद जो भी पीछे के लॉजिक लगाए होते हैं उसमें, वो सारा का सारा काम हैंडल करती है बैक एंड डेवलपमेंट टीम। मान लो कि अगर आपने कोई लॉगिन बटन बना दिया, उसके बाद क्या होता है कि आपने यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, एक बटन बना दिया, बटन पे क्लिक किया, तो उसके बाद वो आपको रेंडर करेगा नेक्स्ट पेज पे। वो सब कुछ डिपेंड करता है बैक एंड वाले लॉजिक पे कि बैक एंड वाले बंदे ने क्या काम किया है। उसके अलावा जब आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन जैसी साइट पर चले जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो कहीं से भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, वो सारे जितने भी प्रोडक्ट वहां पे शो करते हैं वो सारा किसी ना किसी डेटाबेस में पड़े होते हैं। बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि वो ऐसी एपीआईज जनरेट करता है, ऐसी एपीआईज क्रिएट करता है जिनसे वो सारा का सारा डेटा आगे भेज सके और बाद में हमें वो सारी चीजें फ्रंट एंड में दिखाई देती हैं। तो बेसिक ये काम होता है एक बैकएंड डेवलपर का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बैकएंड डेवलपमेंट में आता है वो होता है एपीआईज को क्रिएट करना, किस तरह से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम को, या फिर डेटाबेस रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम आ जाता है बैकएंड डेवलपर के रिलेटेड। तो अब बात करते हैं कि बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए या फिर क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको बताऊंगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज आनी चाहिए वो होता है कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, गो, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट या पीएचपी। कोई भी एक आप चुन लो कि कौन सी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाहते हो, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करने में अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मैं सबसे पहले पाइथन को रखता हूं, पाइथन के बाद जावा को, देन गो लैंग्वेज, देन सी शार्प, देन जावास्क्रिप्ट, देन पीएचपी। ये सब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं सबसे ऊपर पाइथन को रखता हूँ क्योंकि मैं एक पाइथन डेवलपर हूँ, मुझे पाइथन लैंग्वेज सबसे इजी लगती है सीखने के लिए भी और बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज को, तो इसलिए मैं पाइथन को सबसे ऊपर रखता हूँ। देन उसके बाद जावा, जावा को इसलिए क्योंकि जावा में सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद गो लैंग्वेज क्योंकि नई नई लैंग्वेज आई और अभी पाइथन को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही है, देन गो लैंग्वेज और उसके बाद बाकी की लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझसे प्रेफर कोई पूछेगा यार मैं कौन सी लैंग्वेज लर्न करूं, तो मैं उसको यही सजेशन देता हूं कि पाइथन लैंग्वेज लर्न कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस कौन सा फ्रेमवर्क आप उसके साथ यूज कर रहे हो। आप अगर सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीख लोगे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क उसके साथ सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। पाइथन के साथ आप जेंगो फ्रेमवर्क सीख सकते हो, उसके अलावा आप फ्लास्क फ्रेमवर्क सीख सकते हो, देन उसके बाद पिरामिड या फिर उसके अलावा भी बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आप सीख सकते हो बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए। जावास्क्रिप्ट के साथ आप नोड जेएस का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो और मैं आपको ये चीज कहूं, वेब डेवलपमेंट में Node.js का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जितने भी हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रेफर React, Angular या Vue.js की जाती हैं और ये तीनों के तीनों फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के होते हैं। और मैं Node.js की बात करूं तो Node.js भी जावा का ही एक जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क होता है। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि मर्न स्टैक में लोग काम कर रहे हैं, मीन स्टैक में लोग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको Node.js की जरूरत पड़ती है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो मैं आपको यही कहूंगा कि
तब आप Node.js प्रेफर कीजिए बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो पाइथन प्लस जेंगो कर लीजिए, वो ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट प्लस Node.js। देन उसके बाद जावा प्लस स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो आप जावा के साथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो, PHP के साथ आप लारावेल का यूज कर सकते हो, C# के साथ आप ASP.NET का यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है और उसके साथ कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो और कौन से उसके साथ फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर बनना हो चाहे वो बैक एंड डेवलपर बनना हो। ये चीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा पाइथन के साथ जेंगो कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा इजी होती है और बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा फ्रंट एंड वाले बंदे हो, मान लो कि आपने फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा चीजें डेवलप कर ली हैं और अभी आप मूव करना चाहते हो बैक एंड में, तो मैं आपको ये चीज कहूंगा जावास्क्रिप्ट प्लस Node.js कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा रेदर देन टू लर्निंग द पाइथन लैंग्वेज। आप सारी की सारी पाइथन लैंग्वेज पढ़िए, आप जावास्क्रिप्ट के साथ Node.js का यूज करिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए इजी भी रहेगा और डिमांड भी बहुत ज्यादा है इन दोनों चीजों की। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है डेटाबेस। एक बैकएंड डेवलपर के लिए डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि बिना किसी भी डेटाबेस के बारे में जाने वो कभी भी बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकता। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते हो। देखो, डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक होता है SQL जिसको रिलेशनल सिस्टम भी बोलते हैं या फिर रिलेशनल डेटाबेस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है NoSQL। SQL के अंदर भी बहुत ज्यादा और भी डेटाबेसेस आते हैं और NoSQL के अंदर भी बहुत ज्यादा डेटाबेसेस आते हैं। ये आपकी चॉइस होती है कि आप क्या लर्न करना चाहते हो और क्या नहीं। अब SQL के अंदर कौन कौन से डेटाबेस आप यूज कर सकते हो उसकी बात करते हैं। तो SQL के अंदर आप PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft SQL का यूज करते हैं। देखो, मैंने बहुत कंपनीज में, बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया है और मोस्टली सिर्फ ये चार डेटाबेस है जिनमें काम होता है। इनमें भी अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो PostgreSQL हर जगह यूज होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज PostgreSQL का यूज करती है। तो मैं यही कहूंगा अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो PostgreSQL या फिर MySQL, इन दोनों में से कोई चूज करना पढ़ने के लिए। उसके अलावा अगर मैं NoSQL की बात करूं तो NoSQL के अंदर MongoDB, CouchDB, RethinkDB और DynamoDB का नाम आता है। लेकिन अब मैं अगर आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में बताऊं या फिर ये चीज कहूं कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी या फिर मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहता हूं कि आप किन डेटाबेसेस को लर्न कीजिए या फिर स्टार्ट करिए जिससे, तो वो होंगे PostgreSQL और MySQL। उसके अलावा अगर मैं NoSQL की बात करूं तो उसमें से सिर्फ MongoDB का ही मोस्टली यूज किया जाता है, तो आप MongoDB को पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो किसी भी डेटाबेस को सीखना, तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेसेस को सीखिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छे होंगे, ज्यादा आपको समझ में जल्दी आएंगे एज कम्पेयर टू NoSQL को अभी सीखना, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है API। आपको पता होना चाहिए API क्या होती है, उनको किस तरह से डेवलप किया जाता है। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो भी आप फ्रेमवर्क यूज करते हो उनसे किस तरह से API बनाई जाती है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ही चाहे हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि API क्या होती है। एक बैकएंड डेवलपर का मोस्ट ऑफ द काम API से ही होकर निकलता है, तो API के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप किसी भी तरह की API बना सकते हो, API के बहुत ज्यादा टाइप हैं, लेकिन मैंने जितनी भी कंपनीज में या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम किया है वहां मुझे सिर्फ ये तीन APIs ज्यादा दिखाई देती हैं। सबसे पहले होता है REST APIs, देन उसके बाद होता है JSON APIs, देन उसके बाद होता है SOAP APIs। ये तीनों APIs का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी कंपनी में। तो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना किसी भी API के बारे में लर्न करने के लिए, तो इन तीनों से ही शुरू कीजिएगा। इनके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता, मैं आपको भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर आप ज्यादा ही जाओगे उसके अंदर तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। आपके लिए मैं ये कहूंगा कि इन तीनों को अगर आपको पता चल गया कि ये तीनों क्या होती, इनमें क्या डिफरेंस होता है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। नेक्स्ट पॉइंट इज HTTP मेथड। जब भी आप एज ए बैकएंड डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है APIs के पास। ये APIs के अंडर ही चीज आ जाती है HTTP मेथड्स। इसमें क्या आता है कि कुछ ऐसे मेथड डिफाइन होते हैं जो कि आपके APIs में यूज होते हैं। अब वो मेथड्स कैसे हो सकते हैं, पोस्ट मेथड हो सकता है, गेट मेथड हो सकता है, पुट मेथड हो सकता है या फिर डिलीट मेथड हो सकता है। बेसिक इनका काम क्रूड फंक्शंस को ऑपरेट करना होता है। क्रूड फंक्शन के बारे में जिनको नहीं पता मैं उनको ये चीज बता दूं कि क्रूड का मतलब होता है C मीन्स क्रिएट, R मीन्स रीड, U मीन्स अपडेट एंड D मीन्स डिलीट। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो आप डेटाबेस में, तो वो सब फंक्शंस को कहा जाता है क्रूड फंक्शंस। अब मैं अगर आपको इन्हीं मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊं तो वो क्या होते हैं।
गेट मेथड का मतलब होता है गेट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डाटा को गेट करना, हम उसको रीड कर सके तो उसके लिए हम गेट मेथड का यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या होता है कि हम जो फंक्शनैलिटी हम गेट में यूज करते हैं वही हम पोस्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो गेट में जब हम कोई डाटा रिसीव करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं जो कि ओपन होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते और सबको पता चल जाता है कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स वहां पे भेज रहे हैं। पोस्ट मेथड में ये चीज की थोड़ी सी रहती है कि आप उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप कुछ चीजों को हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर सकते हो पोस्ट मेथड में, और आप पोस्ट मेथड के जरिए किसी भी डाटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करवा सकते हो और वहां की डिटेल्स भी निकलवा सकते हो। तो उसके बाद नंबर आता है पुट मेथड का। तो पुट मेथड बेसिकली अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है, ऑलरेडी जो डाटा वहां पे पड़ा होता है उन्हीं सब क्वेरीज को अपडेट करने के लिए हम पुट मेथड का यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है डिलीट मेथड। डिलीट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम कोई डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिलीट मेथड का यूज करते हैं। वैसे इनके अलावा भी बहुत ज्यादा HTTP मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि ये चारों मेथड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे आप बाकी इग्नोर भी कर दो एज ऑफ नाउ, लेकिन हाँ इन चारों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जिनको नहीं पता मैं उनको ये चीज़ बता दूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर एनी डेवलपर, चाहे आप बैक एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, या फुल स्टैक डेवलपर हो, या फिर कोई भी डेवलपर हो, आपको इस चीज़ की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं? जो आपको वर्जनिंग प्रोवाइड कर देते हैं सेपरेटली, जिसमें GitHub, Bitbucket या फिर GitLab जैसी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी भी ब्रांच में काम कर रहे होते हो तो आपके कोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, आप उसमें चाहे जिस तरह की भी मॉडिफिकेशन चाहते हो आप सब चीज़ें कर सकते हो, जिसमें कोई भी दूसरा बंदा दखलंदाजी नहीं करेगा। मान लो कि आप कल को एक किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो, वहाँ पे 10 बंदे और काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना मॉड्यूल दिया गया है कि आप इस पे काम करें, आप इस पे काम करें, सबको अपना अपना काम डिवाइड करके दिया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं ना कि वो सारे के सारे एक ही ब्रांच में काम करने लग पड़ेंगे, मान लो कि वो सारे एक ही ब्रांच में काम करने लग पड़े तो जो भी आपके चेंजेस किए हैं और उनके चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे कोलाइड होने लग पड़ेंगे, बाद में बहुत डिफिकल्टी आ जाती है इन चीज़ों की। दूसरा फायदा क्या होता है कि मान लो कि अभी कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रही है किसी पर्टिकुलर कोड पे, कल को आपने किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर दी और उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, आपके प्रोडक्शन पे कोड डालने के बाद वहाँ पे कुछ इश्यूज आने लग पड़े या फिर प्रोडक्शन सर्वर ही फट गए या फिर रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे आप सीधा का सीधा रोल बैक कर सकते हो, जो भी पुरानी बिल्ड आपने बनाकर दी थी आप उन पर डायरेक्टली मूव कर सकते हो, रैदर देन कि आप वो सारा का सारा कोड फिर से लिखने लग पड़ो। तो इस सब चीज़ों का फायदा किन चीज़ों से होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट या गिटहब से। लेकिन मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसमें डीप में जाकर पढ़ने लग पड़ो कि गिट शुरू किया तो भाई गिट खत्म करके ही मैं इसको मानूंगा, नहीं, आपको थोड़ी बहुत कमांड के बारे में पता हो वो भी सफिशिएंट रहता है कि किस तरह से कमिट किया जाता है या फिर किस तरह से पुल पुश लिया जाता है किसी भी ब्रांच से, सेपरेट ब्रांच किस तरह से बनाई जाती है या फिर सेपरेट ब्रांच में किस तरह से मूव किया जाता है, अगर आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में पता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और अगर उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो भाई उस टाइम पे सीनियर्स की हेल्प लो। इस वीडियो में तो मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन हम एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बना कर दूंगा जिसमें मैं आपको गिट या गिटहब के बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, कौन कौन सी कमांड्स आप यूज कर सकते हो, कब यूज करनी होती है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब मैं वो वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाए कि वो वीडियो आ चुकी है और आप उसको देखकर उसका फायदा उठा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है कैशिंग। अभी अगर आप जस्ट एक फ्रेशर हो तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हाँ जब आप प्रोजेक्ट्स में जाके काम करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि कैशिंग से क्या होता है कि मान लो कि अभी आपने कोई फंक्शन रन कर दिया, उसमें क्या होता है कि आप उसका रिजल्ट जो आता है आपके पास उसको सेव करके रख सकते हो, रैदर देन रनिंग दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन, तो उसके बाद वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, परफॉर्मेंस इश्यू आने लग पड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कैशिंग का यूज़ करते हो ताकि आपने जो पहले रिजल्ट सेव करके रखे होते हैं डायरेक्टली आप वही रिजल्ट निकाल के वहां पे शो कर सको, तो इसलिए कैशिंग यूज की जाती है। एक बैकएंड डेवलपर के लिए कैशिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके लिए आप रेडिस या फिर मेमकैश के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, ऊपर ऊपर से भी अगर आप पढ़ लोगे कि किस तरह से यूज किया जाता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो।
नेक्स्ट पॉइंट होता है टूल्स। अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल होता है जो कि आप सबसे ज्यादा यूज करोगे बैकएंड डेवलपमेंट में। देखिए बैकएंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द काम जो वेब डेवलपर के लिए होता है वो होता है APIs को क्रिएट करना। APIs को क्रिएट करना, APIs को टेस्ट करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत होती है, वो होता है पोस्टमैन। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा, पोस्टमैन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, पोस्टमैन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम उसमें रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, किस तरह से वहां पे टेस्टिंग होती है, थोड़ा बहुत पोस्टमैन के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब आप बाद में जाओगे किसी भी कंपनी में, पोस्टमैन इज द वन टूल जो कि आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो। तो वेल, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगी आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है उसके बारे में पता होना चाहिए, देन उसके बाद उसका कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा डेटाबेस यूज करना है चाहे वो SQL हो या फिर NoSQL, कौन सा डेटाबेस आपको लर्न करने के लिए स्टार्ट करने के लिए चूज करना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए, देन उसके बाद APIs की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन सी API आपको पढ़ने की जरूरत है या फिर कौन कौन से उसके टाइप्स है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए, देन उसके बाद जो HTTP मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, देन उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट या गिटहब के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, किस तरह से ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम इधर उधर ब्रांचेस में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको कैशिंग के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं लेकिन हाँ बाद में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद आपको कौन सा टूल यूज करना पड़ता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इन सब चीजों के अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अभी आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे जाने लग पड़ते हो या फिर कुछ साल का आपको एक्सपीरियंस होने लग पड़ता है तो आपको वो चीजें भी लर्न करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज आती है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन के अंदर सबसे पहली चीज आती है क्यूबरनेट्स और उसके बाद आता है डॉकर। डॉकर भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अभी अगर आपने ये बाकी जितनी मैंने चीजें बताई उसको कवर अप कर लिया हो तो आप डॉकर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि डॉकर को किस तरह से यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जब भी आप डिप्लॉयमेंट करने जाते हो तो उस टाइम पे वेब सर्वर कौन से यूज करने चाहिए या फिर क्या क्या होते हैं, अपाचे के बारे में पता होना चाहिए, NGINX के बारे में पता होना चाहिए, AWS क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये बेसिक नॉलेज आपको इन सब की होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको सीनियर लेवल पर पहुंचने की जरूरत होती है। अभी अगर आप सिर्फ एक फ्रेशर हो तो मैं यही कहूंगा कि इन सब चीजों को इग्नोर करिए और बाकी जितनी मैंने चीजें बताई हैं उनको थॉरली आप पढ़ लीजिए या फिर थॉरली उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि बैकएंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा वास्ट है। इनके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें यूज होती हैं जिनको मैं अभी कवर अप नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मैंने अगर आपको वो सब चीजें बता दी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं बाद में देख पाओगे कि यार क्या क्या और चीजें करें। तो जितना मैंने आपको अभी बताया है दैट इज मोर देन सफिशियंट टू स्टार्ट योर करियर इन बैकएंड डेवलपमेंट। तो मैं यही कहूंगा कि जितना मैंने अभी आपको चीजें बताई उनको डेफिनेटली ध्यान दीजिए, डेफिनेटली लर्न कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फाइनली आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि यार क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस चीज का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों के काम तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी और मैं यही चीज चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इसको जितना शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।